आप लोगों के बीच हो रहे व्यभिचार की चर्चा चारों ओर फैल गई है। ऐसा व्यभिचार जो गैर यहूदियों में भी नहीं होता। किसी ने अपने पिता की पत्नी को रख लिया है, तब भी आप घमंड में फूले हुए हैं। आपको शोक मनाना और जिसने यह काम किया उसका बहिष्कार करना चाहिए था। मैं शरीर से अनुपस्थित होते हुए भी आत्मा से आप लोगों के बीच हूं। जिसने यह काम किया है मैं उसका न्याय कर चुका हूं। मानो मैं वास्तव में वहां उपस्थित हूं और मेरा निर्णय यह है। प्रभु ईसा के नाम पर हम अर्थात आप लोग और मैं आत्मा से एकत्र हो जाएंगे और अपने प्रभु ईसा के अधिकार से उस व्यक्ति को शैतान के हवाले कर देंगे, जिससे उसके शरीर का विनाश हो किंतु प्रभु के दिन उसकी आत्मा का उद्धार हो। आप लोगों का आत्म संतोष आपको शोभा नहीं देता। क्या आप ये नहीं जानते कि थोड़ा सा खमीर सारे सने हुए आटे को खमीर बना देता है? आप पुराना खमीर निकालकर शुद्ध हो जाएं, जिससे आप नया सना हुआ आटा बन जाएं। आपको बेखमीर रोटी जैसा बनना चाहिए, क्योंकि हमारा पास्का का मेमना अर्थात मसीह बलि चढ़ाए जा चुके हैं। इसलिए हमें ना तो पुराने खमीर से और ना बुराई और दुष्टता के खमीर से, बल्कि शुद्धता और सच्चाई की बेखमीर रोटी से पर्व मनाना चाहिए। मैंने आप लोगों को अपने पत्र में लिखा कि व्यभिचारियों से मेलजोल ना रखें। मेरा अभिप्राय यह नहीं था कि आप इस संसार के व्यभिचारियों, लोभियों, धोखेबाजों या मूर्ति पूजकों से कोई भी संबंध नहीं रखें। ऐसा करने के लिए आपको संसार को ही छोड़ देना होता। बल्कि मैंने लिखा कि यदि भाई कहलाने वाला कोई व्यक्ति व्यभिचारी, लोभी, मूर्ति पूजक, निंदक, शराबी या धोखेबाज है तो उसके साथ भोजन तक नहीं करे। बाहर वालों का न्याय करना मेरा काम नहीं, ईश्वर बाहर वालों का न्याय करेगा। घर वालों का न्याय करना आपका काम है। अपने बीच से दुष्ट को निकाल दो।